अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे नए चेहरे देखे होंगे, जिनमें से एक थे सलमान आगा या आगा सलमान, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार सेंचुरी स्कोर की और अब इनको वनडे में भी चांस दे दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के ये ऑलराउंडर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्रिकेट में कैसे आए? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सलमान आगा का पूरा नाम सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा 23 नवंबर 1993 को दिलों के शहर लाहौर में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 29 साल है। उन्होंने 2020 में अपने एक दोस्त से शादी की। अब इनका एक बेटा भी है जिसका नाम साले अली सलमान है। सलमान अली आगा ने क्रिकेट का आगाज पाकिस्तान के तकरीबन तमाम लोगों की तरह टेप बॉल से ही किया और वो टेप बॉल के किंग तैमूर मिर्जा और खुर्रम चकवाल के साथ भी खेल चुके हैं। सलमान अली आगा ने हार्ड बॉल से खेलने का आगाज लाहौर शालीमार और लाहौर रीजन की टीम से किया। इसके बाद उन्होंने लाहौर अंडर 16 भी खेली। इसके अलावा वो पाकिस्तान ए में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, जहाँ उन्होंने नादरन पंजाब की नुमाइंदगी की। इसके अलावा वो PSL में लाहौर कलंदर्स की टीम में भी खेलते रहे। सलमान अली आगा हाल ही में जारी कायद आजम ट्रॉफी में अपनी उम्दा परफॉर्मेंसेस की वजह से एक दफ़ा फिर से सेलेक्टर्स की नज़रों में आए, जहां उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरियां स्कोर की थी। सलमान अली आगा 3 बार पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। आखिरकार उन्होंने 16 जून 2022 में श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और 16 अगस्त 2022 को उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ नसीम शाह के साथ अपना वनडे डेब्यू पाकिस्तान की तरफ से किया, जहां उन्होंने दूसरे मैच में एक 50 भी स्कोर की। इसके बाद वो एक दफ़ा फिर से टीम से ड्रॉप रहे, लेकिन इस नई सिलेक्शन कमेटी ने एक दफ़ा फिर से सलमान अली आगा पर एतमाद किया और उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में चांस दिया, जहां उन्होंने न सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि बेहतरीन गेंदबाजी करवा कर न्यूजीलैंड की टीम को बैकफुट पर ले गए। सलमान अली आगा के लिए बॉलिंग एक इजाफी खसूसियत है, वरना वो खुद को एक बैटिंग ऑलराउंडर समझते हैं और वो साबित भी किया है। उन्होंने पुराने अंदाज से आसान एक्शन के साथ ऑफ ब्रेक करने वाले सलमान अली आगा अपनी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रखते और ना ही वो दूसरा करते हैं, बल्कि अपनी तेज़ ब्रेक की मदद से बल्लेबाजों को परेशान करते रहते हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये साबित भी किया है। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से वो पाकिस्तान की वनडे टीम में भी वापस आ गए। अब देखना यह है कि वो मुस्तकबिल में कितने कामयाब खिलाड़ी बनते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।